उदयपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कलेक्टर निवास के सामने स्थित निजी शिप्रा डायग्नोस्टिक लैब पर गुरुवार को छापामार कार्रवाई करते हुए सरकारी दवाइयां बरामद की हैं। ये दवाइयां सीटी स्कैन के दौरान मरीज को लगाई जाती हैं। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर मामणिया की टीम के साथ खुद अचानक लैब पहुंचे और दो थैली में करीब 300 वायल जब्त किए। सीएमएचओ डॉक्टर मामणिया ने बताया कि लॉयसपॉल इंजेक्शन की 50 ml की वायल की कीमत मार्केट में 1500 से 2000 प्रति वायल है। सीएमएचओ ने बताया कि दवाइयां सीज कर ली गई हैं, साथ ही संबंधित थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करा दी गई है। विभाग की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। अब लैब के संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। कार्रवाई के दौरान लैब मालिक मौके पर नहीं था। कार्रवाई के दौरान औषधि नियंत्रक नेहा बंसल, कुलदीप सिंह यदुवंशी, डॉक्टर मोहन धाकड़, डॉक्टर अंकित जैन आदि मौजूद थे। डॉक्टर बामनिया ने बताया कि जांच टीम द्वारा जब सीटी स्कैन रूम खुलवाया गया तो रूम में लगे फर्नीचर की दराज में सरकारी दवाइयां प्राप्त हुई, साथ ही वेस्ट के दो पैकेट खाली सरकारी इंजेक्शन वायल भी प्राप्त हुए जो सीटी स्कैन के लिए मरीजों को दी जा चुकी हैं। 296 खाली वायल पर सरकारी छाप लगी हुई पाई गई। स्टाफ ने भी स्वीकार किया कि ये इंजेक्शन की 50 ml की वायल मरीजों को लगाई जाती है। ये कहां से प्राप्त होती है इस बारे में स्टाफ ने चुप्पी साध ली। टीम द्वारा एस्टेब्लिशमेंट, बायो वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया।